रखना हमारे नौजवान साथियों, त्रिमूर्ति डिजिटल स्टूडियो के सौजन्य से ये संयोगता स्वयंवर का दूसरा भाग आप लोग सुन रहे हैं। परम पूज गुरुदेव, परम आदरणीय श्री सुरजन चैतन्य जी के पवित्र आशीर्वाद से ये वीर छंद में संयोगता स्वयंवर हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो सुने, जिस समय पृथ्वीराज ने पत्र पढ़ाए संयोग इनका, तो चंद्र कवि को बुलाया और कहा आपकी क्या राय है इसमें बताइए। तो चंद्र कवि कहने लगे, महाराज राय क्या है, चलना है, फौजे सजा लो। उसी समय फौजे सजने लग गई हैं और इधर पृथ्वीराज अपनी पत्नी अगमा के पास में गए हैं और बोले, आरे आवत देखो के जब सजना को अगमा रानी उठी है सियाई, अरे झपट आरती सजन उतारी बिजना लौ हाथ में जाए, और आफत आई किस राजा की कहां को फौजे लई सजाए। भैया तब हंस के पृथ्वी बोलन लागे, रानी सती रहे समझाए, पत्नी अगमा से बोले हैं, देवी सुनो, रचो स्वयंवर संयोगिन को हो, अरे रचो स्वयंवर संयोगिन को राजा जयचंद रहे बुलाई, और वहां जाए वे की करी तैयारी देखे जाए कन्वज मैदान, उसकी सारी फीकी पड़ गई मुख को पान गो को मिलाई, सोई पृथ्वी निकल गए महलन से अगमा लगी द्वार पे जाई, अरे पैया ढुरक गए तोपन के कनवज की लई सीध लगाई, अरे पृथ्वी पहुंच गए कनवज में पूरो शेर लो घिरवाई, और पृथ्वी पहुंच गए आज कनवज में पूरो भम्र लो घिरवाई, अरे फौज बढ़ गई आज आगे को झंडन रही लाल री छाई, स्वयंवर का समय नजदीक आ गया है। आज पृथ्वीराज चंद्र कवि से सलाह लेने लगे और बोले, अरे समय स्वयंवर को जो आओ सुंदर गई मुहूर्त आई, अरे जुर जुर भूप सभा में बैठे राजा राजकुमार महाराज, चंद्र कवि पृथ्वी से बोले सुन लो दिल्ली के चोर,
वेश बदल के चलो सभा में लाए पहचान सके बलवान। चंद्र कवि कहने लगे महाराज सभा में चलना तो है ही है लेकिन ऐसे नहीं भेष बदल के चलो जो हमें तुम्हें कोई पहचान न पाए। वो जहां स्वयंवर को मंडप है पहुंचे वहां पिथोरा राय कहे छुप के पहच गए हैं सभा में ये तमहल नचे सुनो हवाली। सजत सयोगिनी है मेलन में दिल में बहुत रही है साइकर अरे मिले हैं पिया भूप पृथ्वी से जीवन धन मेरो हुई जाए अरे हंसी खुशी से कपड़ा पहले सारे गेले लए सजाई। सहयोगिन को जब सजाओगा वह लला सुंदर चुनरिया जब सोने की किनारी आहा लगता है कि इंद्र परी उतरे आई हो। ओई प्रसन्न उठी गोरी अरे सखियन सुंदर बेन उचारो इंद्र परीसी लघु सखी यशो कर दे तू सिंगार हमारो। संयोगिन बोली दीदी वीरू ऐसो सिंगार कर दे जो इंद्र परी लघु चेतन कहे सुन के इतनी बांदी ने सब संगार संभालो। अरे कालो दाग बनो रे थोड़ी पे शोभा एक न बरनी जाई हाँ अरे बढ़िया मिसी के धरे हाथन पे सोदा तन में के लई है लगाई। अरे माग माग में मोती कोहले रेशम डोरा लोहे लगाई हाथन पैरन पे मेहंदी धर दई कछु तारीफ पर कही ना जाए। पूरो शरीर ऐसे रंगाओ आहा अब तो बहुत सुंदर लग रही है बहुत सुंदर है। अरे गोरी बहिया जक नरम कलैया करे हाँ सिंह बरन उनार चली सयोगिन जब महलन से राजसभा की ते सीध लगाई हाँ अरे सात सहेली के संग में जा रही पुष्पन की हुई रही है बोछारी।
मोहे चित्त है मुनि सुर क्यार, अरे रंग भूमि है गड़ कनवज की, बैठे सूर वीर सरदार। अरे ढाल से ढाल अड़ी रे बंगला में, मूठ से मूठी है फसी तलवार। बड़े बड़े चुआन के सभा में बैठे, ऐठन लगे हैं मूछ के बाल। देश देश के जुआन जुड़े हैं, बागड़ कल बज के है मैदान। और उन्हीं राजन में है छुप करके बैठे धवल के धनी चौहान। देश विदेश के राजा महाराजा बैठे हुए हैं। महाराज पृथ्वीराज चौहान भेष छुपा करके सबके बीचों बीच में बैठ गए, देख रहे हैं। भूमि में ओ हो, हो आई संयोगिनी भूमि में, सब ही मोहि मोहि रह जाए। मानव की तो बात ही क्या है, देखत काम देवल भी आए। की है सुकुमारी, चारों ओरी कोरे देखते है के धर धर दृष्टि है कुहिलिया क्यारी। जयमाला संयोग के कल में करती जाती है वहां प्रस्थान। आर संयोगिन जयमाला लेकर के जैसे सभा के मध्य में जाकर के पहुंची है, इधर उधर को देखा है, जब पृथ्वीराज चौहान दिखाई नहीं दिए है तो हुआ क्या। और जाना जाके कश्य मन जावे, सोई जाता है तुरत लुभियाई। हे भगवान संयोगिनी नारी के मेरे जयमाला दे डारी। लला सीलू जो राजा बागी तरफ देख ले तू है प्रकाश भैया, जय सोचे तू है कि भगवान जाके संग हमाओ ब्याह हो जाओ तो उम्र 30 साल बढ़ जाती। बीरू भैया दरवाजे पर देखा है कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवा करके जो रख दी थी, केवल संयोगिन ने उसी को देखा और हुआ क्या। गणेश भैया और देश देश के राजा बैठे,
तुम्हें है मुनासिब नाई। देखती रही जब पृथ्वीराज चौहान जब दिखाई नहीं दिए हैं, मूर्ति को जा करके जयमाला पहना दी, आगे बढ़ के जयचंद्र बोले बेटी और जल्द उतारे को तुम माला को तो समन खास है पिथोरा के गले में बिटिया देर करो या बनाए। भैया इतनी सुन के बात पिता की बेटी बोली है, भैया इतनी सुन के बात पिता की बिटिया बोली है। अरे बेटी बोली है पिता से, बेटी बोली है भैया इतनी सुन के बात पिता से बेटी बोली है। हमारे नौजवान साथियों, जिस समय जयचंद्र ने कहा कि बेटी इतनी बड़ी भीड़ लगी भई है और तुम्हारे लायक कोई लड़का ही नहीं है, तुमने मूर्ति को जयमाला डाल दी, उतार दो इसे, संयोगिता बोली है पिता सुनो बात जब आत की है ना। अरे तनी सुन संयोगिनी बोली बबुला सुनो हमारी ये बात, अरे जितने भूप सभा में बैठे राजा राजकुमार महाराज और कौन सुज्वल सभा में बैठो झेले बान पिथोरा राई। अरे तन मन से मैं दासी बन गई दिल की बात रहे बतलाई, और या तो ब्याहे पृथ्वी राज को या तो जन्म कुआरे जाई। पिताजी दुल्हन बनूंगी तो पृथ्वीराज की और न सारी जिंदगी कुआरे रहना पसंद करूंगी मैं। याद रखना भैया, और हमको प्यार हुआ है उनसे उनकी बनू गले को हारी, और यज्ञ हमारे में नया ओ सो क्या बने तेरो भरतारी। बेटी जो हमारे यज्ञ में आना पसंद नहीं करता है उसके साथ में तुम शादी करना चाहती हो, पागल मत हो जाओ, वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। वो बात गूंज गई और गड़कल बज में डगबग ना बहुत मजधारी, अरे सूरत देखी पृथ्वी राजन ने दो अखियन में जली मसाली। अरे गुस्सा ना रुकी पृथ्वी की चेहरा बहो एकदम लाल, अरे कछु कछु राजा छपक न लागे देखो वहां काल को काली। अरे बाह करारी गजबर छाती आओ दहली पूरे भूपाल,
अरे जाके बोले हैं जय चन से सुन लो भूप कनौ जियराई। अरे शरमन आई तुम को लाजा राजस यज्ञ दो रचवाई। जिस समय देखा है पृथ्वीराज ने कि जी भर के हमारी बेइज्जती हो रही है सभा में, नहीं रुका गया, नहीं रुका गया। पृथ्वीराज बोले वर कई बार तुम हमसे हारे बन रहे चक्रवर्ती संभाती। अरे आज पता लग जाए है तुमको कनबज लगे तुम्हारी बात। वर रचो स्वयं वरदाज सुता को मेरो कल नहे तय अपमान। अरे मूरत पत्थर की बनवाए के मोको समझ लो दरमानी। वह सजा नीचता की तोली है और जाई कनबज के मैदानी। अरे नारी बनाए के संयोगिन को ले जाए दहली के दरमियानी। लेकिन हुआ क्या, जिस समय पृथ्वीराज ने जयचंद से इतनी बात कही है तो क्या हुआ, सको तुम रो मयू खारी। तब ललकारों के सेना पत्नी अब तुम सावरे धान हुई जाओ मर्द के जाए के तुम को जाने डोला कदम एक बढ़ जाओ। जयचंद का सेनापत कहने लगा पृथ्वीराज चौहान क्या ये मर्दांगी है, तो स्त्री को लेकर के तुम भाग रहे हो हैं? पृथ्वीराज कहने लगे तुमने हमारे अपमान में कोई कमी तो नहीं छोड़ी, अगर मैं शेर नहीं होता तो तुम्हारे पीछे संयोता को उठा करके कैसे ले आते। सुनो और मारे तेगा के तलवारन के पीगल मास सहमति है फैलाई। अरे इतनी कह के घोड़ा है लोटो अपने गोल के मिलाई लो जाई। मेरे भैया सेनापति वहां से लौट गए हैं
और जाकर के जिस समय जयचंद को ये बताया है तो हुआ क्या, अरे हुक्म दे दो कैसे न पत्नी तो अपन गोला के दे भरुबाई, हाँ अरे आग लगा चंद के कहने पर सेनापति ने आदेश दे दिया है कि तोपन में गोला भरवाओ और दुश्मन के दल को सफाया कर दो। अरे गुर सुरजन क्या होनी हुई रही के उदय को देवो अकल बताई, अरे मुन्ना लाल जी धर में नैया निक जाकी तुम दो पार लगाई, और होई घमासान भूमि में ताकि संधि तुम देव करवाई, और दोनों ओरी से गोला छूटे अंधा धुंध सी पड़ी दिखाई, अरे जा हाथी के गोला लागे रण में सो गिर जाए, जिस समय जयचंद की सेना भागी पृथ्वीराज की सेना से जब सामना हुआ है दोस्तों, काफी जवान के मरे भूमि में पहला सन के कह लग गए पहाड़, अरे छोड़े बाणक पृथ्वीराज ने सेना भागी के जान बचाई, जितनी सेना थी हाई जयचंद की भागी समर भूमि मैदान, भाइयों जिस समय पृथ्वीराज ने शब्द बाण छोड़े हैं जयचंद की सेना भाग गई, अरे भैया हार मान के जयचंद की सेना भूमि से भागी है, भैया हार मान के जयचंद की सेना भूमि से भागी है, रणभूमि से भागी है यार लड़ी भूमि से भागी है, भैया जयचंद की है सेना हार के भूमि से भागी है, याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, आज पृथ्वीराज चौहान से हार मान करके जयचंद की सेना जब वहां से भाग खड़ी हुई है और पृथ्वीराज डोला लेकर के जब आगे बढ़े हैं, सेनापति ने जब जयचंद को बताया है हुआ क्या, जयचंद ने अपनी सेना सजा ली
और युद्ध के लिए रणभूमि में पहुंच गए हैं। तब तक संयोगता का डोला लेकर के महाराज पृथ्वीराज चौहान कुछ आगे बढ़ चुके थे। दिल्ली की सीमा में जब पहुंच गए हैं और उधर में जयचंद ने जा करके डोला को घेर लिया, हुआ क्या? याद रखना मेरे भैया, अरे खबर पाई जब जयचंद ने भागी फौज कनौजिया, अरे श्री रति भान कुमार बुलवाए बेटा डोला लाओ छिनाई, अरे हम हुसंग तुम्हारे चले हैं डाले पटक पिथोला लाई, अरे श्री रति भान कुमार तब बोले बबुला चलियो संग हमार, और हुक्म करो जी ने दे दियो सबरी फौज ले ओ सजवाई, और डबल बिगुल और बाजे अलारम हल चल मची फौज में जाए, और तब हर काला बोलन लाबो सैनिक सुन ले चित्त लगाए, कोहरा जुरी है चौहानन से बजिए घूम घूम तलवार, असुर की नारी के हंस के बोली जाबो पिया लड़न के काज, और जे हैं बातें जति सती की जिनकी छटी धरी तलवार, जिस समय रतिभान को लेकर के जयचंद बोले हैं बेटा फौजे सजाओ चलो, और भर भर करके रथ दौड़े हैं दब्बा जात पवन उनहारी, अरे काम धाम सुख पाल पाल की सोयब कड़ी नरेशन क्यारी, बेटा शीलू जिस समय फौज चली है जयचंद की, चतुरंगन फौज चली सज के नभ मंडल घोर घटासी छाई, ओले लाल लंगूर से सूर चले धुन शंख की घोर आकाश में छाई, हम किस विधि ज्ञान बखान करें, अरे ध्यान में घोर अंधेरी सी छाई, और फौजे चल भई कड़ कड़ बज की लई दहली की है सीध लगाई, ओ तमें डोला के संयोगिन को लेके जाते हैं पिथौरा राय, दहली बाली के उत्तर सीमा पे पहुंचे पृथ्वीराज चौहान, आगे बढ़ के भान कुमर ने घेरे जाए के पिथौरा राय,
रखे तन में, आगे रहे तुम कहाँ को जाए। और बेटा सिलू, जिस समय रतभान ने ऐसी बात कही है, अरे दोनों ओर के योद्धा भिड़ गए। अरे सेंध लगाई न तुम्हारे घर में, न घर का तो है कनौ जीराय। अरे चोरी नहीं करी जा चंद की, जो बहन बल होई तुम्हारी। अजवाय ले बहन तुम्हारी के संयोगिन को टोला गढ़ दिल्ली में जाए। और बातन बातन के पत बड़ हुई गई, प्रकाश बातन में बढ़ गई रारी। रारी के ऊपर के गाली दे दई, झुके सूरमा दोनों लंग के छपका बजन लगी है तलवार। संयोगिन के आज टोला पे बहने लगी है खून की धार। सुंदर झुरमुट है हो रही तोपन कीड़े झनकार। जेऊ लड़ाई के पीछे रह गई, अब निर्मोह के चली तलवार। हाँ अरे परले हुई गई के रड़ भूमि में, बही है खून की धार। हाँ दोनों तरफ से जब युद्ध भयंकर हुआ है, घायल डरे डरे बिलखाई। अरे कान कुमार आगे को बढ़ गए, जो है कुमार के पिथौरा राय। अरे उतमे पुत्र के बड़े जचंद के, श्री रतभान कुमार प्रतिपाल। मोहरा जोई गौ के रण खेतन में, अब निर्मोह के चली तलवार। भाइयों दोनों तरफ के योद्धा में तलवार युद्ध जब हुआ तो हुआ क्या, भान
अरे दो लंग चोट के समा सम बैठी, धरती हिली के पवन चकराई। देखी के आज बेटा की जैचन छोड़ के दई डकार। अरे सूरत देख के आज बेटा की जैचन धरन गिरे है कश खाई। बेटा कान मरो है भूमि में गैर सियाई के पिथोरा लाई। ये के राजा सब तो भेदी चक्कर धनी है कनौजी राई। कह गए सब तो पिथोरा को नहीं चूके चूके नाई चक्र कोलाज। अरे हसी शारदा के धोले जड़ पे जाने किन पे है राम रिसाई। चली शारदा जो मठिया से चौसठ योगिनी है संगलिवाई। भारी युद्ध भाव है भूमि में शंका करत है काल की नाई। ये दग्द देखी चंद्र कबीली दो उलंग मध्य पहुंच गए जाई। हाथ जोड़ी पृथ्वी से बोले ये मत करो धनी चौहान। और श्री रतिभान कुमर मारे गए अरे जाई भारत के है मैदान। कहा गुजरी है संयोगिन पे राजन सोच के देव सराई। अरे चंद्र कवि जय चंद से बोले आप तो सोच दियो विसराई। अधिक दुलारी के सुता है प्यारी तो पेट में समावे नाई। अरे फौजे हट गई के दहली वाली मोर्चा सुनरे शान हुई जाई। चक्र रख दो श्री जय चंदने नीचे गर्दन बे गए हैं झुकाई। संयोगिता स्वयंवर की आला मैंने त्रिमूर्ति कैसेट में दई है सुनाई। सीलू बेटा हरपालपुर बालो सुंदर ढोलक के रो है चटकाई। हाँ पीरू भैया की आगरा वाले सुंदर
सूरत के पड़ी दिखाई। अरे प्रकाश जी चिमटा पे बैठे भैया मंदरे मंद मुस्काई। अरे मुन्ना लाल शिवहरे जी हैं बड़े भ्रात में रहे मुस्काई। काउदिन माटी में मिल जावेगी जसोने की हवेली। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की, बोलिए आज के आनंद की। हमारे दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जो भी कहानी मैंने त्रिमूर्ति कैसेट में रिकॉर्ड की है आप बड़े ध्यान से और पूर्ण रूप से ये हमारी सारी कथाएं सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है हमारी स्वर शैली में। आगे भी बहुत वॉल्यूम आपके लायक आने वाले हैं तो जरा हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखें। धन्यवाद।